चलते हैं हम अपने अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ। और इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, अ प्रोग्राम विच इनपुट्स अ लीनियर एरे ऑफ नंबर्स एंड प्रिंट्स व्हाट द एवरेज ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, हम एक एरे है, उसका जो भी साइज़ है एन, पहले हम साइज़ इनपुट करेंगे इसके बाद, और जितने भी उस एरे के अंदर पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सबका हमें सम करना है। ठीक, तो देख लेते हैं इसका स्यूडो कोड। स्यूडो कोड पहले लिख लें, स्यूडो कोड लिखना है, कोड लिखना है, एनालिसिस करना है। ओके, चलिए हमारा फंक्शन क्या करेगा, देखिए सबसे पहले तो हमें एक नंबर लेना पड़ेगा जो ये डिटरमिन करेगा कि कितनी इनपुट वैल्यूज़ लेनी है, एरे का साइज़ क्या होगा। ठीक, लेट्स जस्ट से इनपुट एन, एन हमारा इनपुट होगा, और हम एक एरे ले लेते हैं और इनिशियली उसको हम रफली ऐसे ही कह देते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल उसको मेमोरी एलोकेट कर दी, एरे ऑफ साइज एन। ठीक है, अच्छा अब हमें एक लूप करना पड़ेगा, हम कह सकते हैं आई इक्वल्स टू ज़ीरो, और इस लूप में हम लोग इनपुट लेंगे, लेट्स आई इज़ लेस देन एन डू व्हाट, इनपुट लेना हमें, तो कैन वी से इन इनपुट ए एफ आई। ठीक है, एरे की आयत पोजीशन के लिए हम लोगों ने एक इनपुट ले लिया, लेट्स से कि वो इनपुट वैलिड था, इट वाज अ वैलिड इंटीजर, वो सब हम चेक नहीं कर रहे अभी, डेटा जो है वो वैलिडेशंस नहीं कर रहे। और इस लूप में हमें क्या करना है, एज इक्वल्स टू आई प्लस वन इंक्रीमेंट, दैट्स इट। अच्छा, अब हमें चाहिए सम एवरेज निकालने के लिए, और सम हमें किसका लेना है, सारे पॉजिटिव नंबर्स का। तो अगर हमें पॉजिटिव नंबर्स नहीं चाहिए, तो सिर्फ हम कहते हैं कि सिर्फ सम करना है, तो हम ये कह सकते हैं ना, सेट सम इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इनिशियलाइज़ करवाया, उसके बाद फॉर नंबर, एवरी नंबर इन एरे डू व्हाट, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नंबर। ठीक, अब ये मैंने फॉर ईच लूप एक इस तरह से लगा दिया, आप चाहें तो एक और जो है वाइल लूप लगा सकते हैं, एरे को आई के साथ एक आइटरेट कर सकते हैं, तो आई जस्ट यूज्ड फॉर ईच लूप, एल्गोरिथमिक एस्पेक्ट से देखें तो कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, हम ये करते पहले, और इसके बाद हम एवरेज कैलकुलेट करते, कैसे करते, सम डिवाइड बाय एन। ठीक है, ये हमारी अप्रोच होनी थी, राइट एवरेज प्रिंट बोलें या एवरेज राइट बोलें, की बात है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ पॉजिटिव्स। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, हम यह कहेंगे इफ नंबर इज ग्रेटर देन ज़ीरो देन डू दिस। अगर हम ये करते हैं तो क्या ये प्रोग्राम सही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इस इनपुट को असेस करें, आपके पास इनपुट आ जाता है 2 5 4 -3 0। ठीक है, अब इसका एवरेज निकलना क्या चाहिए,
हमारा ऑब्जेक्टिव है एवरेज ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स ना, तो हम अगर इसको सम करेंगे तो ये हो गया 11, और प्रोग्राम हमारा क्या इनपुट आउटपुट देगा हमें, प्रोड्यूस करके देगा 11 बाय 5 विच विल बी इनकरेक्ट। हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में भी वही नंबर्स चाहिए होंगे जो पॉजिटिव हैं, कितने पॉजिटिव नंबर्स थे जो यूज़ हुए, तो इसलिए हम एक और यहाँ पे वेरिएबल लेंगे, हम इसे कहेंगे सेट पॉजिटिव्स इज़ टू 0, कितने पॉजिटिव नंबर हैं हमारे पास डेटा में। तो यहाँ पे जब हम सम ले रहे होंगे, सम के साथ हम इसमें भी इंक्रीमेंट कर लेंगे कि जितने पॉजिटिव नंबर्स इंकाउंटर किए वो आ जाए हमारे पास, और फाइनली जब एवरेज निकालेंगे तो वी विल डिवाइड बाय पॉजिटिव्स, और इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट होगा, ये सीडो कोड। चलें इसको कोड करके देखते हैं। प्रोग्राम मैंने पूरा बना लिया है पॉज करके, सम ऑफ पॉजिटिव्स, एक्चुअली इसको ओबीजे डॉट सम ऑफ पॉजिटिव्स, एंड एक बार इसको रन भी करके देख लेते हैं। एन क्या कर रहा हूँ, एन 5, ठीक, 5 नंबर्स इनपुट करने हैं, पहले मैंने कर दिया 4, दूसरा मैंने कर दिया 7, तीसरा कर दिया -23, चौथा 0 और 100, ठीक है। तो हमारे पास 37 किसका एवरेज आया, 100, 7 और 4 का, ठीक, तीन नंबर्स हैं। तो यू कैन इजीली सी ये 111 है ना, 111 बाय 3 विल बी 37, ठीक है। तो अब इसको फंक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं, कोड के अंदर मैंने सम ऑफ पॉजिटिव्स पेस्ट कर लिया, यू कैन ट्राई दिस ऑन योर ओन एज वेल। अच्छा, अब हम आते हैं अपने एनालिसिस की तरफ जो कि असल हमारा टॉपिक है। इसको मैं काम करता हूँ, इसको टेबल के अंदर करते हैं, बाद में मैं रिवर्ट बैक कर लूँगा। जस्ट फॉर ईज, ये एक मरतबा रन हो, 1 1, और ये स्टेटमेंट कितनी मरतबा चलनी है। अब अगर मैंने इनपुट जो भी दिया है 5 दिया है, तो ये स्टेटमेंट कितनी मरतबा चलेगी, 5 मरतबा, एन टाइम्स वो स्पेसिंग, ठीक, एन माइनस 1 और वंस अगेन एन माइनस 1 टाइम 1 1, और ये हमारे पास चलनी है एन टाइम्स वंस अगेन 1 1। अच्छा, तो हमारे पास वर्स्ट केस सिनेरियो है वो क्या होगा, यहाँ पे डिटरमिन करते हैं ना। बेस्ट केस सिनेरियो तो ये है कि कोई भी नंबर हमारे पास पॉजिटिव है ही नहीं, या इनपुट ही इनपुट तो चले आपने जो भी दिया है एन, लेकिन उसमें तो कोई भी पॉजिटिव नहीं है, तो ये यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे ही नहीं ना, ये भी कोई भी कंडीशन रन नहीं होगी, तो ये सिर्फ कंडीशन चेक होगी हमारे पास एन टाइम्स। लेकिन हम वर्स्ट केस अज्यूम करेंगे, क्यों अनइवन किस्म का फॉन्ट है, चलो छोड़ो, बट हम अज्यूम करेंगे कि जितनी भी वैल्यूज एंटर हुई हैं वो पॉजिटिव हैं, लिहाजा ये सारी रन होंगी,
और ये दोनों स्टेटमेंट्स एक एक मरतबा रन होंगी, ठीक है। तो ओवरऑल व्हाट वी गेट इज टी एन इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सात स्टेटमेंट्स कॉन्स्टेंट हैं। एन वाली कौन सी है भाई? 1, 2, 3, 4 और 5। और फाइनली मेरे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, n-1, विच मीन्स सेवन एन माइनस फाइव। चेक करूँ, 7 - 2, हाँ 7n-5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको मैं कॉपी करके सारा फिर कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी एंड आई गेट बैक टू माय ओरिजिनल वन एनालिसिस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास आ गई ये इक्वेशन। अपर बाउंड क्या होगा? बिग ऑफ एन, सीधी सीधी बात है, सबसे जो इसमें लार्जेस्ट ग्रोइंग वैल्यू ग्रोइंग टर्म ये है, डोमिनेंट टर्म 7n, तो 7 हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट हम इग्नोर करेंगे, द यूजुअल थिंग। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो स्पेस कितना लेगा ये? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? लेट्स सी, जो भी हमारे पास एन है, एन की जो भी वैल्यू है, उतना बड़ा ये होगा एरे, तो कम से कम एन ये तो आना ही आना है। और उसके अलावा हमने क्या और एक्स्ट्रा क्या चीज़ें ली हैं? एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है, 3, 4, 5, 5 वेरिएबल्स हमने और लिए हैं, और कुछ है? वंस अगेन, एन आई सम पॉजिटिव्स एवरेज, ठीक है। तो एन प्लस फाइव मैक्स हमारे पास स्पेस कंज्यूम होगा, जो कि इसका अपर बाउंड क्या होगा? अगेन बिग ऑफ एन। अब स्पेस में हम जो है ये कंसिडर करते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो एक यूनिट ऑफ टाइम, एक यूनिट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं। अब वी नो कि अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तो आपके पास जो है वो 2 बाइट्स का है, अगर एंटी 16 है तो ये 2 बाइट्स का है, लेकिन फ्लोट की केस में हमारे पास 4 बाइट्स हैं। लेकिन एट दिस पॉइंट हम लोग ये चीज़ें इग्नोर करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सेम यूनिट ऑफ स्टोरेज कंज्यूम कर रहे हैं। अलबत्ता अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रिसाइस रिक्वायरमेंट हो कि नहीं भाई हमें एग्जैक्टली बिट टू बिट कैलकुलेट करना है, तो फिर ये हम कंसिड्रेशन रखते हैं माइंड में भाई, एवरेज के लिए हमने 4 यूनिट्स रिजर्व करने हैं। सो दिस विल बिकम 4 + 5 × 4, और ये वो जो 4 भी है वो भी 2 बाइट्स का है ना, तो वो भी मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये भी 2n हो जाएगा। बट यू नो कि हम जब कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं तो हम मोस्टली अप्रोक्सीमेशन लेवल तक रहते हैं, बहुत ज़्यादा बिट बिट टू बिट और मिली सेकेंड्स की प्रिसीशन तक हम लोग नहीं जाते। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव 14 था, ये भी कंप्लीट हुआ।
अब हम जाएंगे अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। अच्छा, अब फॉर योर ओन प्रैक्टिस दो तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, जिन पे आप खुद जो है उनका एल्गोरिदम लिख के, कोड लिख के वेरीफाई करके और फिर कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस परफॉर्म करें। जैसे अ प्रोग्राम विच इनपुट्स अ लीनियर एरे एंड अ सर्च टर्म, प्रोग्राम क्या करेगा, इट शुड रिटर्न इंडेक्स ऑफ द सर्च टर्म इफ इट एग्जिस्ट्स इन द एरे, और अगर सर्च टर्म ना हो तो इफ द सर्च टर्म डज नॉट एग्जिस्ट देन इट शुड रिटर्न -1। ठीक है, एरे लेना है और उसके अंदर आपने एक सर्च टर्म इनपुट करनी है, अगर वो टर्म एग्जिस्ट करती है तो उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाए, वरना अगर सर्च पूरा यानी कि पूरे एरे में वो टर्म एग्जिस्टिंग करती है तो आप -1 रिटर्न करेंगे। इसी तरह हम एक और कोई प्रोग्राम ले लेते हैं, कोई रिवर्स में किसी एरे को प्रिंट कर लें आप, प्रोग्राम विच इनपुट्स अ लीनियर एरे ऑफ इंटीजर्स एंड प्रिंट्स इट्स वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो ये एक दो सिंपल प्रोग्राम्स हैं जो आप उससे कर सकते हैं। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें हम लेंगे दो नंबर्स स्टार्ट और एंड, ठीक है, और करेंगे ये कि हम दोनों स्टार्ट से लेके एंड तक जितने भी नंबर्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन टेबल्स वो रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अ प्रोग्राम, यानी आप समझें कि अगर मैंने इनपुट दे दिया स्टार्ट में दे दिया 2 और एंड, मैंने कहा स्टार्ट और एंड इज इक्वल्स टू 5, ये दो मैंने पैरामीटर्स दे दिए ना, तो सबसे पहले एंड सो ऑन ये टेबल 2D एरे, एक हम 2D एरे रिटर्न करते हैं और उसकी हर फर्स्ट डायमेंशन के हर एलिमेंट के अंदर 10 एलिमेंट्स का हम एक सेकंड डायमेंशनल एरे लेंगे और इसी तरह 2 का टेबल, फिर 3 का टेबल, फिर 4 का, 5 का, ये सारे टेबल्स हम स्टोर करके रिटर्न करवाएंगे। अच्छा, ये रिटर्न करवाने वाला काम हम बाद में कर लेते हैं 2D एरे, पहले हम करके ये देखेंगे जब कोड करने पे आएंगे कि किस तरह से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं इसको। तो इसको ज़रा दो स्टेजेस में हम बनाएंगे, दो फर्स्ट स्टेज ये कि पहले हम देख लें हम टेबल पूरा प्रिंट करवा सकते हैं और उसके बाद उसको एक एरे के अंदर स्टोर करके रिटर्न करवाएं। तो हम इसका ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं, अ प्रोग्राम विच इनपुट्स टू नंबर्स स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, करना यह है द प्रोग्राम शुड रिटर्न अ 2D एरे। इन विच द फर्स्ट रो contains multiplication table of कौन सा नंबर, स्टार्ट नंबर, फिर जो सेकेंड रो होगी, द सेकेंड रो contains द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ नेक्स्ट नंबर एंड सो ऑन, द लास्ट रो should contain the
ऑफ एंड नंबर, ठीक है। तो 2D एरे आप इस तरह से लेने, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, 2 का टेबल, फिर 3, 6, 9, 12, 3 का टेबल एंड सो ऑन, इस तरह से हम लोग रिटर्न करेंगे। तो चलें इस प्रोग्राम पे आते हैं, नो द ड्रिल, सीडो कोड, फिर कोड, फिर एनालिसिस, ठीक। चलें भाई सीडो कोड पे आते हैं, और हमने पहले डिसाइड किया इसको हम दो स्टेजेस में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करना हमें क्या है, इनपुट लेने दो नंबर्स, ठीक, इनपुट स्टार्ट, फिर इनपुट एंड। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी टिप, जब सीडो कोड लिख रहे हो ना तो इस तरह से ना करें, क्योंकि एनालिसिस के दौरान हमें फिर ये सेग्रीगेशन करनी पड़ेगी कि भाई ये एक स्टेटमेंट नहीं है, दो स्टेटमेंट्स हैं। कोशिश करें कि स्टेटमेंट्स अलग अलग लिखें। जैसे इसकी एक मैं एग्जांपल और भी दे सकता हूँ, आप फॉर का लूप लगाते हैं ना, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 100, आई प्लस प्लस। अब आप ये देखें कि इसको एनालिसिस के दौरान रीड करना कितना मुश्किल होगा, बिकॉज आपको पता है इसके अंदर तीन स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। जब कोड में लिखते हैं हम ये लिखते हैं ना, अब इसमें तीन स्टेटमेंट्स हैं, और प्रॉब्लम ये नहीं कि वो तीनों एक साथ ही चलनी है। ये स्टेटमेंट है आई इक्वल्स टू 0, भाई ये लूप के स्टार्ट होने से पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट है जो लूप की बॉडी के अंदर जाने से पहले एग्जीक्यूट होगी, ये डिसाइड करता है कि लूप की बॉडी में जाना है या नहीं, ठीक। और ये स्टेटमेंट है जो लूप की लास्ट स्टेटमेंट होती है। तो इनको आप जब बैठ के एस्टिमेट करेंगे कि कितने नंबर्स हैं, तो एक की वैल्यू 1 आएगी, दूसरी की n आएगी, तीसरी की जो है n-1 आएगी। इसी वजह से हम प्रेफर करते हैं कि हम रिपीट या वाइल यूज़ करें, क्योंकि वाइल में पहले इनिशियलाइजेशन हो जाती है, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आती है और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो वाइल की बॉडी के अंदर आती है। तो बहरहाल एक छोटी सी टिप थी, ज़रूरी नहीं है, इफ़ यू आर कम्फर्टेबल तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशंस का ख्याल रखें। सीडो कोड जो भी कन्वेंशंस आप वो कंसिस्टेंट रखिएगा। तो खैर हम आगे चलते हैं, हम इनपुट ले लिया हमने स्टार्ट और एंड दो नंबर्स। अब करना क्या है हमें, सबसे पहले हम बात ये नहीं करते कि रिटर्न क्या करवाना है, हम पहले प्रिंट करवाएंगे दोनों टेबल्स। लेकिन स्टिल उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं कि एक एरे इनपुट ज़रूर ले लें, एलोकेट इसका साइज़ क्या होगा, और रिटर्न भी हमें यही करवाना है ना, रिटर्न ए, सही है। अच्छा हमें एक 2D एरे चाहिए, ठीक है, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी भाई, देखें स्टार्ट एक नंबर होगा, एंड एक नंबर होगा, बिलफर्ज इसको मैंने ले लिया 3 और इसको ले लिया 5, ठीक है। तो पहली डायमेंशन तो 2 की होगी जो इनका डिफरेंस आएगा, और दूसरी डायमेंशन हमें टेबल बिलफर्ज प्रिंट करवाना है 1 से लेकर 10 तक सबका ही, तो सेकंड डायमेंशन 10 होगी। तो पहली डायमेंशन में मैं लिखूँगा डिफरेंस और दूसरी डायमेंशन में मैं लिख लूँगा 10, ठीक है। यानी आप यहाँ पे मैं सेट एंड माइनस स्टार्ट ये भी कर लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई हमारे एरे का साइज़ क्या है। तो ये इस तरह से मैंने एलोकेट करवा लिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन और इक्वल टू एंड, जाहिर मुझे स्टार्ट से लेके एंड तक सारे नंबर्स का टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं टेबल प्रिंट करवाऊँगा कहाँ से, 1 से लेके 10 तक। तो मैं करूँगा क्या, सेट आई इज इक्वल्स टू 1 और वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10,
बल्कि जो 10 है ना, इसको भी मैं एक कॉन्स्टेंट ही ले लेता हूँ। व्हाट जस्ट हैपेंड, मैग्नीफायर पर खुल गया। मैं कहता हूँ सेट रेंज इज इक्वल्स टू 10, 10 तक मुझे वो करवाना है। डू व्हाट, इंक्रीमेंट तो होता रहेगा। यहाँ पे मुझे राइट मैसेज प्रिंट करवाना होगा एक, तो मैसेज क्या होगा, स्टार्ट। अच्छा मुझे कॉन्कैटिनेशन भी चाहिए, तो मैं एक काम ये करूँगा, मैं कहूँगा सेट मैसेज जिकल्स को कॉन्कैटिनेट क्या स्टार्ट, फिर एक कैरेक्टर मैं दे दूंगा बी, व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा 2 into 1 इज इक्वल्स टू, चलो यार ये कैरेक्टर हटा देते हैं जिससे कि कैरेक्टर्स ही प्रिंट हो रहे होंगे, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सेट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू स्टार्ट इनटू आई, ठीक है। तो ये अब समझ लें कि ये स्टार्ट वेरिएबल है, ये कैरेक्टर है, आई भी मेरे पास वेरिएबल है, ये एक कैरेक्टर है और प्रोडक्ट भी वेरिएबल है। इस तरह से मैंने मैसेज एक प्रिंट करवा लिया। चले यहाँ तक हमने किया है, अभी रिटर्न कुछ नहीं करवाना, हमें अपने प्रोग्राम में ये देखना है कि क्या ये जो काम किया हमने ये टेबल्स प्रिंट कर रहा है या नहीं। तो कोड की तरफ चलते हैं, लेट्स ट्राई टू कोड दिस। इसको करें कमेंट और ओबीजे डॉट मल, पता है मुझे भाई, स्टार्ट और एंड मुझे चाहिए। अब ये पैरामीटर तो मैं बाद में लूँगा, यहाँ मैं पहले दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 2 6। से void integer start integer end और range ले लिए difference, अच्छा ये मुझे लेने की वेरिएबल यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं तो सीधा एक एरे ही लूँगा इनपुट, तो सॉरी इनपुट नहीं 2D एरे मैंने ले लिया और उसको नाम दे दिया मैंने टेबल का, और न्यू इंट मेरा फर्स्ट जो डायमेंशन हो रेंज वो क्या होगी, एंड माइनस स्टार्ट, और मेरी सेकंड डायमेंशन ये मैं ऑन द फ्लाई भी असाइन कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं मेरे ख्याल में मुझे एरे सी शार्प में इस तरह से डिफाइन करना चाहिए, राइट, मल्टी डायमेंशन। लेट्स सी, खैर कोई मसला होगा तो देख लेंगे, सी शार्प मेरी थोड़ी सी रस्टी है, सॉरी। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि एरे मैंने ले लिया, अभी इस एरे का करना कुछ नहीं है हमें, पहले तो हमें इसे प्रिंट करवाना है ना वाइल, तो मैंने कहा कि वाइल
स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड डू व्हाट, अच्छा यहाँ पे कंडीशन वो भी चेक एक तरह से हो जाएगी कंडीशन कि अगर स्टार्ट जो है वो एंड से बड़ा है तो ये लूप एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, दैट्स ऑल्सो समथिंग। स्टार्ट प्लस प्लस ये तो आखिरी स्टेटमेंट होगी, हमें इसके बीच में क्या करना है, अच्छा देखा हमने ये चीज़ मिस कर दी थी, अपने स्यूडो कोड में ठीक है, इंक्रीमेंट नहीं होगा तो चलेगा कैसे, इन्फिनेटली इनडेफिनेटली चलेगा, बंद कैसे होगा मतलब। ओके व्हाइल आई लेस इन रेंज ठीक है, इसी के अंदर वंस अगेन हमने यहाँ पे अपने स्यूडो कोड में बेशक व्हाइल लूप यूज़ किया, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप इजीली, फॉर आई स्टार्ट आई लेस देन रेंज आई प्लस प्लस नहीं सॉरी वन से स्टार्ट होगा, और मेरा मैसेज क्या होगा, मैं कहूँगा स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल्स टू स्टार्ट इनटू आई इज इक्वल्स टू स्टार्ट इनटू आई ठीक, कंसोल डॉट राइट लाइन मैसेज, इसको चला के देखते हैं, पैरामीटर्स मैंने पहले पास कर दिए 2 to 6, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा एक चीज़ और, इनको सेग्रीगेट करने के लिए मैं एक एक्स्ट्रा लाइन और भी दे देता हूँ सेपरेट आउट करने के लिए। ओके 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम चाहिए था एग्जैक्टली वही प्रोग्राम बन चुका है, अब इसको सिर्फ हमें रिटर्न करना है एज अ टू डायमेंशनल एरे। तो वापस आते हैं हम लोग अपने स्यूडो कोड के ऊपर, अब स्यूडो कोड में हमें बजाय मैसेज राइट करने के हमें क्या चाहिए, और सिंपल सी चीज़ है, ये जो एरे है ए इसके डायमेंशन नंबर व्हाट, फर्स्ट डायमेंशन जो होगी मेरी ज़ीरो से स्टार्ट हो रही होगी ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 0 और उसके बाद 1 to 10, इसके अंदर स्टोर क्या होगा, प्रोडक्ट ठीक है, सही है यही हमें स्टोर कराना है। अब इसको हम ईजी है एक्चुअली, ज़रा सी वाला सिंटैक्स ले लेते हैं, दिस इज़ व्हाट, ये हमारे पास है आई जो स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, लेकिन यहाँ हमें इंडेक्स चाहिए 0 से, तो मैंने आई माइनस 1 कर दिया, और ये क्या है, इसके लिए मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ इस इंडेक्स को ऑपरेट करने के लिए, सेट इसको चलो जे बोल देता हूँ, वैसे तो होता अमूमन ये है कि आई पहले आता है जे बाद में आता है, लेकिन खैर है, इसको मैंने क्या दिया आई जे आई माइनस वन इक्वल्स टू प्रोडक्ट, अच्छा अब मैं इंक्रीमेंट आई में यहाँ करवा रहा हूँ और जे में इंक्रीमेंट कहाँ करवाऊँगा, इनर लूप के ख़त्म होने के बाद, और ये मैंने रिटर्न करवा दिया अपना एरे। अब देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली यही काम कर रहा है, कोड करके देखते हैं, मुझे सिर्फ इसको रिप्लेस करना है किससे, टेबल और स्टार्ट इनटू आई, लेकिन यह है आई माइनस 1 और यह है जे, जे के अंदर इंक्रीमेंट कहाँ होगा,
जी प्लस प्लस कंसोल डॉट राइट लाइन हटा दी हमने। रिटर्न क्या करना है हमें, रिटर्न टेबल, सही है। तो यहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे इसी को, इसको मैं सीधा सीधा डीबग करके चेक कर लेता हूँ क्या मेरे पास सेम आउटपुट आ रहा है जो डिजायर्ड आउटपुट है। ओके इंडेक्स आउट आउट लेट्स सी, जी की वैल्यू 4 है, इसका मतलब है कि लास्ट होगा 6 का टेबल, और टेबल का साइज है हमारा इंट 4 10। 2 से 6 चलाना है तो हमें 5 साइज चाहिए होगा, तो 4 क्यों आ रहा है, और 4 इस वजह से आ रहा है क्योंकि 6 माइनस 2 4 होता है, यहाँ पे मुझे देना है +1। नाउ लेट्स ट्राई अगेन, ठीक है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन टेबल आ गया, और अगर मैं इसको एनालाइज करूँ तो सी मेरे पास 0 डायमेंशन में 2 से लेके 20 तक, देन मेरे पास 3 से लेके 30 तक एंड सो ऑन, जितने मुझे फाइनली मुझे 6 का टेबल चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो वेल ये प्रोग्राम भी हमारा कंप्लीट हुआ, इसको मैं वंस अगेन कॉपी पेस्ट, ठीक। तो ये प्रोग्राम एज आवर ऑब्जेक्टिव स्टेट्स एक 2D एरे रिटर्न करेगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल्स होंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। चलें चलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस पे, तो उसके लिए मैंने ये इसकी एक कॉपी बना ली है इसी स्यूडो कोड की, और यहाँ पे हम अपनी वर्किंग करेंगे सारी, ठीक। फॉन्ट कंसिस्टेंट, ठीक। चलें कुछ तो हम वैसे ही लिख सकते हैं कौन सी स्टेटमेंट है जो वंस एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है, लेकिन असल हमारा सारा काम है यहाँ पे, ठीक है। देखिए इससे पहले कि यहाँ हम वर्किंग करें कि लूप और इनर लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रहा है, एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम कॉम्प्लेक्सिटी रिपोर्ट कैसे करते हैं, बिग ऑफ एन या बिग ऑफ एन स्क्वायर्ड, ये जो एन लिखते हैं हम ये क्या चीज़ है, ये इस सवाल का जवाब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसमें मिस्टेक होने के चांसेस हैं। यहाँ पे आप देखें कुछ एन नहीं है, देयर इज़ नो एन, आपके पास स्टार्ट है और एंड है, ठीक। तो आप कॉम्प्लेक्सिटी रिपोर्ट करते हुए क्या लिखेंगे, बिग ऑफ स्टार्ट और एंड, यानी फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन में स्टार्ट और एंड लिख देंगे आप, मे बी, लेकिन अगर आप गौर करें यहाँ पे तो एक्चुअली एन गिवन है हमें, ये एन क्या चीज़ है जिसको हम कहते हैं, एन का काम ये बताना होता है, ये सिर्फ मतलब इसकी जगह एन लिखा हो, जे लिखा हो, आई लिखा हो, एक्स लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ये बेसिकली वो वेरिएबल है जो हमें ये बता रहा होता है कि अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो फंक्शन का टाइम ग्रो करेगा या फंक्शन का स्पेस ग्रो करेगा, जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो कौन सा वेरिएबल है जिसके ग्रो करने से फंक्शन का टाइम ग्रो कर रहा है। अब हम आते हैं अपने इस एल्गोरिदम पे,
स्यूडो कोड पे। अगर आप यहाँ गौर करें तो हमारे पास स्टार्ट गिवन है, एंड गिवन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर स्टार्ट की वैल्यू है 1 और एंड की वैल्यू है 2, तो बाकी ये मेरा ये वाला जो कोड है ये कितने मरतबा रन होगा? वंस। और अगर स्टार्ट में वो 1 है और एंड 5 है तो ये रन होगा 5 टाइम्स, राइट। अगर मेरा स्टार्ट है 5 और एंड है 7, देन व्हाट? स्टार्ट 5 और एंड 7 है तो कितनी मरतबा चलेगा भाई? 5 के लिए चलेगा, 6 के लिए चलेगा, 7 के लिए चलेगा, 3 टाइम्स, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है एंड माइनस स्टार्ट, इसमें एक हमें प्लस करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। और ये जो हमने डिफ लिखा है ना, एक्चुअली दिस इज प्लस 1, ये छोटी सी करेक्शन है जो करना ज़रूरी है। राइट तो अगर हम यहाँ गौर करें कि ये जो वैल्यू है डिफ प्लस 1, ये है हमारा एन, ठीक है। तो एन डिटरमिन किससे हो रहा है? स्टार्ट और एंड इन दोनों वेरिएबल्स से। तो अगर हम यहाँ पे अज्यूम कर लें कि एन इज इक्वल्स टू एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, तो क्या हमारे लिए ये एनालिसिस करना आसान नहीं हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एन? हमारे पास स्टार्ट और एंड तो गिवन है, लेकिन हम इस एन इनको इसका जो रिलेशनशिप है उससे हम निकाल सकते हैं कि कितनी मरतबा ये आउटर लूप एग्जीक्यूट होना है और कितनी मरतबा इनर लूप एग्जीक्यूट होना है। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे एंड माइनस स्टार्ट, राइट, हम कहेंगे एन। अब अगर हम यहाँ गौर करें तो लूप कहाँ से चल रहा है? स्टार्ट से एंड तक। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट की वैल्यू दी थी 1 और एंड की वैल्यू दी थी 3, तो फर्स्ट टाइम 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 3 मरतबा चल रहा है, राइट। लेकिन हमारे पास डिफ क्या है? स्टार्ट एंड माइनस स्टार्ट, इसका मतलब है डिफ इज इक्वल्स टू 2। तो हम अगर यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, तो इसका मतलब है जो एन है वो हमारे पास 3 होगा एक्चुअली। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि दिस आउटर लूप इज गोइंग टू रन फॉर एन टाइम्स, राइट। अब ये अगर एन टाइम्स चल रहा है तो ये कितनी मरतबा चलेगा इनर लूप? ऑब्वियसली एन माइनस 1 टाइम्स। इनर लूप कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो स्टेटमेंट है ए जी की, ए एन माइनस 1 टाइम्स, यहाँ पे अगेन एन माइनस 1 टाइम्स, बट देयर इज वन मोर थिंग, मल्टीप्लाइड बाय 10। क्यों? क्योंकि भाई हम रेंज है वो चला रहे हैं 1 से लेके 10 तक, तो 10 मतलब 10 टाइम्स ही चलेगा। और एक्चुअली ये 10 टाइम्स नहीं चलेगी कि ये जो कंडीशन चेक हो रही है, ये स्टेटमेंट 11 टाइम्स चलेगी, 10 टाइम्स ये सारी स्टेटमेंट्स चलेंगी 1 2 3, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे 10 इंटू एन माइनस 1, 10 इंटू एन माइनस 1, 10 इंटू एन माइनस 1, और ये कितनी मतलब चलेगी? अगेन दिस इज गोइंग टू रन फॉर एन माइनस 1 टाइम्स। एन माइनस 1 टाइम्स और देन 1।
अब ये जो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, इनको हमें सम करना है। तो मैं कहूँगा टाइम निकालने के लिए हमारे पास क्या है, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेटमेंट्स। तो ये तो कांस्टेंट टाइम है, प्लस एन प्लस 1 2 3 और 11, मीनिंग 14 इंटू एन माइनस 1 प्लस 3 इंटू 10 इंटू एन माइनस 1 विल बी 13 टू एन माइनस 1। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 13 प्लस 14, सो दिस इज 44 इंटू एन माइनस 1, 44 एन माइनस 44 प्लस एन का मतलब है 45, और 44 माइनस 7 इज 37। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ देखें गौर से कि मेरा जो टाइम निकल के आ रहा है 45 n-37, यहाँ एक छोटा सा एक छोटी सी कन्फ्यूजन होनी चाहिए, एक सवाल पैदा होना चाहिए कि भाई ये मेरे पास लूप के अंदर लूप है, इनर लूप। तो हमने कई क्लास में कई लेक्चर में ये सुना था, जब इनर लूप आता है तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, बिग ऑफ एन स्क्वायर्ड, राइट, ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये जो इनर लूप है ये डिपेंड नहीं कर रहा एन की वैल्यू पे, ये हमेशा 10 मरतबा चल रहा है। तो ये एक कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है, ये जो मैंने 10 कांस्टेंट लिख दिया ना यहाँ पे, ये कांस्टेंट 10 नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है। हाँ, अगर मैं ये कहता कि ये रेंज जो है इसको भी हमने इनपुट लेना है तो बात कुछ और होती, फिर हम ये वेरिएबल भी इंक्लूड करते, इसको एक और नाम दे देते कॉमा आर का, उसके बाद ये कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम नहीं चलता, फिर हम इंक्लूड करते हैं उस आर को भी इस इक्वेशन के अंदर, और फिर हमारे पास कुछ ऐसी सूरत हाल आती कि एन इंटू आर का कोई रिलेशनशिप यहाँ पे बनता हमारे पास। बट राइट नाउ हम बात कर रहे हैं एक फिक्स्ड रेंज की। इस वजह से मेरे पास आ गया ये आंसर, ठीक है। तो लेट्स कॉपी दीज और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी ये निकल के आ गई है, अपर बाउंड ग्रोथ फंक्शन बिग ऑफ एन, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। बेसिकली आपको अगर स्पेस निकालना है तो सिर्फ मेन चीज़ क्या है, इस ए का साइज़ निकालना है, दैट्स इट। बाकी आपके टेम्प्रेरी वेरिएबल्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। लिहाजा इस पॉइंट पे हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव था, इसको देखकर तो हम कहेंगे कि हाँ ये कंक्लूड हो गई एक्सरसाइज, लेकिन हम इसमें एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करेंगे और हल्की सी थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करेंगे। और वो क्या करेंगे, वही जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, ये जो रेंज है ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक, यानी जो टेबल प्रिंट हो रहा है वो 1 से लेकर 10 तक ही होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने कोड पे आता हूँ और यहाँ मैं कहता हूँ भाई रेंज जो है ना मुझे चाहिए पैरामीटर फंक्शन का, यहाँ मैं पास कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 5, तो ये जब मैं काम करूँ तो मुझे जो
टेबल मिलना चाहिए, उसमें हर वैल्यू के लिए, हर नंबर के लिए 5 तक का टेबल है, 2 into 1 ऑल द वे टू 2 into 5, दैट्स इट। तो मेरे पास ये भी कांस्टेंट होने के बजाय वेरिएबल हो गया, यानी अब मेरे पास इक्वेशन में एक वेरिएबल और ऐड हो गया। तो इसकी जगह अब मैं लिखता हूँ इनपुट रेंज। अब थोड़ा सा मेरे पास एनालिसिस डिफरेंट होगा, ठीक है, और वो डिफरेंस कहाँ आएगा, बाकी ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट कितनी मरतबा चलेगी, आई से स्टार्ट होगी ऑल द वे टू रेंज, तो हम इसको कहेंगे ये स्टेटमेंट चलेगी मेरे पास आर टाइम्स, रेंज को मैं आर आर का नाम दे देता हूँ, ठीक है, आप इसका वेरिएबल का नाम ही आर कर दें, कोई मसला नहीं है। तो ये स्टेटमेंट चलेगी मेरे पास आर टाइम्स इनटू एन माइनस वन, ठीक है, और इसके बाद जो मेरे मेरे पास स्टेटमेंट्स होंगी वो कितनी मरतबा चलेंगी, इनमें से हर स्टेटमेंट आर माइनस वन टाइम्स चल रही है, ये तीनों स्टेटमेंट्स। तो यहाँ मैं क्या कहूँगा, आर माइनस वन एन माइनस वन, राइट। अब हम आ जाते हैं दोबारा अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और मेंशन करूँगा, टाइम मैं रिप्रेजेंट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एन एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि आर भी मेरे पास एक इनपुट, यहाँ तो मैंने इनपुट लिया कोड में, मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन पैरामीटर है, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब अगर मैंने आर के अंदर वन पास किया है तो भाई जाहिर है ये इनर लूप एक मरतबा ही चलेगा हर नंबर के लिए, लेकिन अगर मैंने 100 पास कर दिया है तो 100 मरतबा चलेगा, तो इसका मतलब है फंक्शन की जो ग्रोथ है वो अब सिर्फ एंड पे डिपेंड नहीं कर रही, वो आर पे भी डिपेंड कर रही है। तो अब हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए, विच इज़ वाई यू आर गोइंग टू चेंज दिस। अब इसको दोबारा, चलिए ये तो यहाँ तक तो ठीक था, अब मुझे यहाँ दोबारा कुछ लिखना है, वन टू थ्री, थ्री एन माइनस वन प्लस आर इंटू एन माइनस वन प्लस थ्री आर माइनस वन एन माइनस वन। इसको हम रिजॉल्व करते हैं, टी एन प्लस टू 7 प्लस, एक्चुअली मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ, 4 एन आर प्लस एन माइनस 4 आर प्लस 7। इसको एक मरतबा वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा अपने एंड पे, क्योंकि सब बहुत इट्स टू लेट एट नाइट, और मैंने बहुत जल्दी में ही किया है, बट स्टिल जो जो पॉइंट है असल ये कि हमें इसमें सब वो टर्म चाहिए जो डिटरमिन करेगी कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी, हम ये सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एन रिपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज द फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन बोथ द वेरिएबल्स, इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे। देखें ये तो क्लियर है ना कि यहाँ पे जो डोमिनेंट टर्म है वो ये है एन आर, बिकॉज अगर आर की वैल्यू, क्यों मैं कह रहा हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल आर की वैल्यू 1 भी है, एन तो अपनी जगह है, आर की वैल्यू अगर 1 भी है तो ये 1 हो जाएगा 4n, और ये -4 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी कांस्टेंट बन जाएगा, ये भी कांस्टेंट बन जाएगा, और हमारे पास ये टर्म रिमेनिंग होगी। तो ये माइनस, ये जो 4n r वाली टर्म है, ये है हमारी डोमिनेंट टर्म जिसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, बाकी हम इग्नोर करेंगे।
तो बाकी अगर इग्नोर कर दिया तो मतलब, तो वैसे ही अगर फॉर कम्प्लीटनेस सीखना है तो पूरी इक्वेशन या उतार दें और आप एक एक करके माइनस करते चले जाएं, स्टिल यू विल गेट द सेम रिजल्ट, बिग ऑफ एन इंटू आर, ठीक है, बिकॉज 4 अगेन कॉन्स्टेंट होगा, यहाँ पे एन अकेला है, यहाँ पे आर अकेला है, एन इसके साथ नहीं है, तो बहरहाल अपर बाउंड हमारा ये निकल के आ गया। किस सूरत में? जब हमने फिक्स्ड रेंज को एक और वेरिएबल में चेंज कर दिया। तो इस एक्सरसाइज में हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम ये किया है कि जो बिग ओ है, इसको जब हम पहले रिपोर्ट करते थे विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल, नाउ वी आर गोइंग टू रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल्स, ठीक है। ऐसी एग्जांपल्स फ्यूचर में भी आ सकती हैं, तो जहन में ये चीज़ रखनी है कि वो सारे वेरिएबल्स जिनके ऊपर फंक्शन की ग्रोथ डिपेंड कर रही होगी, वो सारे वेरिएबल्स हम इंक्लूड करते हैं अपने एनालिसिस में। हाँ, उसमें से अगर कोई इलिमिनेट हो सकता है तो हम उसे इलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई वेरिएबल ऐसा है जिसके ऊपर फंक्शन की ग्रोथ डिपेंड कर रही है, तो आप आखिरी रिलेशनशिप में, अपनी आखिरी रिलेशन में उसको लाजिमन मेंशन करेंगे। तो यहाँ हम लोग कंक्लूड करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 17, और इसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा और आगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर।